आज आप फखर से सारी दुनिया से कहते हैं मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे हुजूर के उम्मती होने का शर्फ हासिल हुआ, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मुझे नबी वाला कलमा नसीब हुआ, मैं कितना कितना खुश नसीब हूँ, मुझे अल्लाह का कलाम नसीब हुआ, मैं कितना कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे रब्बुल आलमीन ने ये फजीलत देकर इस दौर में पैदा किया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक अदना सा उम्मती कहलाया। आपको इस बात पर फख्र है, मुझे इस बात पर फख्र है, हर उम्मती को इस बात पर फख्र है कि मैं नबी का उम्मती हूँ। मुझे इसी बात का सहारा लेते हुए अगली बात भी कह लेने दीजिए, अगर कोई आज इस दौर में पैदा होकर फख्र करता है, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इसको फजीलत समझता है कि वो हुजूर का उम्मती है, वो कितना खुशकिस्मत होगा जो हुजूर का सबसे पहला उम्मती है। भाई वो कितना खुश नसीब होगा जो हुजूर का सबसे पहला उम्मती है। मैं कहता हूँ मैं उम्मत में हूँ, आगाज उम्मत का उससे हुआ है। मैं कहता हूँ मैं उम्मत में हूँ, इब्तिदा उम्मत की उससे हुई है। मैं कहता हूँ मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, वो कहता है मैंने सबसे पढ़ा है। मैं कहता हूँ मैंने कलमा मस्जिद में पढ़ा है, वो कहता है मैंने कलमा बैतुल्लाह में पढ़ा है। मैं कहता हूँ मैंने कलमा उस्ताद को देख कर पढ़ा है, वो कहता है मैंने कलमा रसूलुल्लाह को देख कर पढ़ा है। मैं कहता हूँ मैंने कलमा मौलवी से पढ़ा है, वो कहता है मैंने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ा है। मैं कहता हूँ मैंने नमाज इमाम के पीछे पढ़ी है, वो कहता है मैंने नमाज इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ी है। मैं कहता हूँ मैं बुजुर्ग के साथ रहा हूँ, वो कहता है मैं इमामुल अंबिया के साथ रहा हूँ। मैं कहता है मैं इस दौर में रहा हूँ, वो कहता है मैं उस दौर में रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं इस जमाने में आया हूँ, वो कहता है मैं उस जमाने में हूँ। वो सारी दुनिया भी अपनी बात पर फख्र करती है कि वो हुजूर का उम्मती है, वो फख्र क्यों ना करे कि वो हुजूर की उम्मत के पहले लोग हैं। उम्मत के जरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये हैं कौन? ईमानदारी से आपने पूछा तो बताओ इस साहबा साहबा करने से कल्ब में नूर आया या नहीं आया? आप सिर्फ कल्ब में नूर कहते हो, मुझे तो बाजार में नूर ही नूर नजर आ रहा है। क्या नाम है साहबा? क्या नाम है साहबा? क्या नाम साहबा है? भाई हमको फखर है, हम उम्मत है, हम हुजूर की उम्मत है, उनको फखर है, वो हुजूर के साथी हैं, हुजूर के रफीक हैं, हुजूर के नवासी हैं, हुजूर के साथी हैं, हुजूर के सुसर हैं, हुजूर के दामाद हैं, हुजूर के साथ चलते, हुजूर के साथ बैठते, हुजूर के साथ खाते, हुजूर के साथ पीते, हज हुजूर के साथ करते, नमाज हुजूर के साथ पढ़ते, ज़कात हुजूर के साथ देते, सदकात हुजूर के साथ देते, गली में हुजूर के साथ, बाजार में हुजूर के साथ, कुरान में हुजूर के साथ, तौरात में हुजूर के साथ, ज़बूर में हुजूर के साथ, इंजील में हुजूर के साथ, सहीफों में हुजूर के साथ, पैगाम में हुजूर के साथ, तारीख में हुजूर के साथ, नजर में हुजूर के साथ, नजरिए में हुजूर के साथ, फिक्र में हुजूर के साथ, तलब में हुजूर के साथ, जुस्तजू में हुजूर के साथ, मदीना में हुजूर के साथ, मक्का में हुजूर के साथ, बदर में हुजूर के साथ, हजर में हुजूर के साथ, जुदर में हुजूर के साथ, सफर में हुजूर के साथ, कलाम में हुजूर के साथ, पैगाम में हुजूर के साथ, फौज में हुजूर के साथ, सालारी में हुजूर के साथ, सरदारी में हुजूर के साथ, ताबेदारी में हुजूर के साथ, फरमाबरदारी में हुजूर के साथ, बचपन में हुजूर के साथ, लड़कपन में हुजूर के साथ, जवानी में हुजूर के साथ, शबाब में हुजूर के साथ, तरीके में हुजूर के साथ, तुरक में हुजूर के साथ, रात में हुजूर के साथ, दिन में हुजूर के साथ, उजाले में हुजूर के साथ, सख्ती में हुजूर के साथ, नरमी में हुजूर के साथ, गर्मी में हुजूर के साथ, सर्दी में हुजूर के साथ, घबराहट में हुजूर के साथ, रात में हुजूर के साथ, चांद में हुजूर के साथ, सकाफत में हुजूर के साथ, अदब
میں حضور کے ساتھ، اخلاق میں حضور کے ساتھ، کردار میں حضور کے ساتھ، شادی میں حضور کے ساتھ، بیاہ میں حضور کے ساتھ، الفتوں میں حضور کے ساتھ، محبتوں میں حضور کے ساتھ، نقشوں میں حضور کے ساتھ، جنگ میں حضور کے ساتھ، عمل میں حضور کے ساتھ، راستوں میں حضور کے ساتھ، تلاوتوں میں حضور کے ساتھ، پیغاموں میں حضور کے ساتھ، کلاموں میں حضور کے ساتھ، کتابوں میں حضور کے ساتھ، صحیفوں میں حضور کے ساتھ، پیغام میں حضور کے ساتھ، کردار میں حضور کے ساتھ. آ کسی کو اگر شک ہے تجھے دکھاتا ہوں، جا آج بھی مدینے میں جا کر دیکھ وہاں حضور کے ساتھ، اور جب قیامت ہوگی یہ حضور کے ساتھ جنت میں جا کر دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے نظارہ لگائے یہ حضور کے ساتھ. پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے؟ صحابہ توجہ. جزاک اللہ جزاک اللہ.